सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के Y21 फोन के कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में। इन फ्यूचर अगर आपके पास वीवो का Y21 फोन है एंड इन फ्यूचर अगर आपका बंदा कोई भी चोरी कर लेता है फोन, फाइनली चोरी करने के बाद तुरंत जो होता है बंदा वो स्विच ऑफ करने में लग जाता है, फाइनली आपका फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है। लेकिन जो सेटिंग मैं आप लोग को बताने वाला हूं, इन सेटिंग को अगर आप अपने फोन में इनेबल करोगे उसके बाद आपका फोन ना ही स्विच ऑफ होगा ना ही आपका फोन बाहर से रिसेट कर पाएगा कोई। एंड जब तक वो बंदा आपका फोन स्विच ऑफ करेगा एंड जब तक आपका फोन रिसेट करेगा तब तक आप लोग उसे ढूंढ सकते हो। तो फाइनली इन सेटिंग के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं एंड वीवो के Y21 फोन में। तो फाइनली अगर आपके पास वीवो का Y21 फोन है तो आप लोग इन सेटिंग को जरूर फॉलो कीजिएगा एंड अपने फोन में, एंड इसे आप लोग करने के बाद जब भी आपका फोन कोई भी चोरी करता है, जब भी आपका फोन रिसेट करना चाहेगा रिसेट नहीं कर पाएगा एंड पावर ऑफ करना चाहेगा पावर ऑफ नहीं कर पाएगा, पावर ऑफ करते समय उससे में पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड डालने के बाद ही आपका फोन जो कि पावर ऑफ होगा। तो फाइनली इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर देखोगे तो आप जैसे अपने फोन को पावर ऑफ करते हो, यहां पर मेरा फोन है आप लोग को दिख रहा होगा एंड अब मैं अपने फोन में पावर बटन को दबाता हूं। यहां पर पावर बटन को मैंने दबाया, यहां पर देखोगे मैंने अपने फोन को पहले लॉक करता हूं, लॉक करने के बाद एंड उसके बाद मैं अपने पावर बटन को यहां पर प्रेस करता हूं लॉन्ग। उसके बाद यहां पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद देख सकते हो, लॉन्ग प्रेस करने के बाद हमारे पास पावर का ऑप्शन आ चुका है एंड यहां पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे फोन में एक पासवर्ड मांगता है एंड पासवर्ड जब भी हम अपने फोन में डालेंगे तभी जाकर हमारा फोन यहां पर स्विच ऑफ होगा। लेकिन अगर आप लोग इस सेटिंग को नहीं इनेबल कर रखोगे तो यहां पर क्या होता है कि आप लोग यहां पर कभी भी आपका फोन चोरी हो जाता है एंड चोर क्या करेगा, लॉन्ग प्रेस करेगा बटन पे एंड यहां पर आपके फोन को स्विच ऑफ कर देगा, इस तरीके से स्विच ऑफ कर देगा, इस तरीके से आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक से, यहां पर तुरंत आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, आप यहां पर कुछ भी नहीं कर पाओगे एंड आप लोग का फोन तुरंत फिर वो रिसेट भी करवा सकता है। तो फाइनली इससे बचने के लिए आप लोग को उस सेटिंग को इनेबल करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग अपने फोन में इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इंपॉर्टेंट सेटिंग को इनेबल कर लोगे तो आपका फोन चोरी होने से बच सकता है। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को एंड तक देखोगे जहां पर पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। तो फाइनली मैं अपने फोन को जो कि ऑन करता हूं, मैंने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया था तो मैं यहां पे ऑन कर लेता हूं। जैसे कि दोस्तों मेरा फोन ऑन हो चुका है एंड मैं आप लोगों को बताता हूं कौन सा सेटिंग है, उस सेटिंग को कैसे आप लोग को इनेबल करना है। तो फाइनली दोस्तों यहां पर आप लोग को साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो कौन सा सेटिंग है, मैं आप लोग को बताता हूं यहां पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपने फोन के सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपके पास सेटिंग मिल जाएगा, यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा, पहला नंबर आपको सिक्योरिटी वाला है, दूसरा आपको नीचे मिल जाता है उसके आपको प्राइवेसी का ऑप्शन, प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ यू आर नियर तो अनलॉक द फोन तो पावर ऑफ, जो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ साफ साफ यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये आपका ऑफ होगा, इस तरीके से आप लोग को नहीं पता होगा तो आपका यहां पर ऑफ होगा एंड अगर जिसको पता होगा तो उसके फोन में ऑन होगा। तो यहां पर क्या करना, आपको इस सिंपल सा इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब दोस्तों यहां पर जब भी अपने फोन को आप लोग पावर ऑफ करोगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक से पावर ऑफ नहीं हो पाएगा, चाहे वो आपका चोरी भी करके ले जाए चोर, चाहे आप भी खुद से करो, आप जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आपका फोन पावर ऑफ नहीं होगा। यहां पर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं और चल के होम स्क्रीन पे, अब मैंने अपने फोन को लॉक करने वाला हूं दोस्तों। यहां पर मैं अपने फोन को लॉक करता हूं, लॉक कर लिया और लॉक, यहां पर दोस्तों मैंने अपने फोन को लॉक कर लिया एंड लॉन्ग प्रेस करता हूं अपने पावर बटन पे। अब पावर बटन पे मैंने लॉक प्रेस किया, यहां पर देख सकते हो लॉन्ग प्रेस किया और पावर बटन आ चुका मेरे पास। अब मैं यहां पर जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे को पासवर्ड मांग रहा है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पासवर्ड मांग रहा है। तो फाइनली ये चीज है इसके अंदर, जैसे मैं इसके अंदर पासवर्ड को अनलॉक किया एंड देख सकते हो मेरा फोन ऑटोमेटिक से स्विच ऑफ हो चुका है, मेरे फेस से यहां पर फोन अनलॉक हो चुका था। तो ऑटोमेटिक से फोन जो कि यहां पर स्विच ऑफ हो चुका है एंड जब तक यहां पर मैंने
पासवर्ड नहीं डालता तो मेरा फोन यहां पर स्विच ऑफ नहीं होता है। तो इन सेटिंग को आप लोग जरूर अपने फोन में इनेबल करना, जो कि आपका फोन कोई भी चोरी करता है तो आप लोग जब तक वो फोन आपका पासवर्ड पता करे एंड जब तक आपका फोन यहां पर स्विच ऑफ करे तब तक आप लोग उस फोन को ढूंढ सकते हो। तो फाइनली ये बहुत ही बढ़िया सेटिंग है, फाइनली आप लोग अपने वीवो के Y21 फोन में सेटिंग के अंदर चेकआउट कर सकते हो। तो फाइनली अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कॉमेंट में हमें बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर एंड प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।